नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। यहाँ हम और हमारी कुशल टीम आपको अवगत कराते हैं हर नई ज्योतिष गतिविधियों के बारे में एवं पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियों से। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्ट्रो मित्रम को, जिससे हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। ज्योतिष और गंजेपन का संबंध। सिर के बाल झड़ना आजकल युवाओं में एक आम समस्या है। ये आजकल की अनियमित दिनचर्या का नतीजा तो है ही, साथ ही इसमें जन्म पत्रिका में स्थित सूर्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सिर के बालों के बिना चेहरे की सुंदरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आजकल गलत खानपान व प्रदूषण के चलते बाल गिरने या गंजेपन की समस्या आम होती जा रही है। मगर आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि बाल रहेंगे या गिरेंगे, ये भी कुंडली के ग्रहों में छिपा रहता है। पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि लग्न के हिसाब से यदि देखें तो मेष, सिंह, तुला, धनु व कुंभ लग्न वालों को बाल गिरने की समस्या का अक्सर व दूसरों से अधिक सामना करना पड़ता है। यदि कुंडली में इनके लग्नेश कमजोर हों या गोचर में ग्रह नीच का कमजोर हो जाए तो उस समय ये समस्या आम हो जाती है और बालों का गिरना गंजेपन की हद तक आ सकता है। लग्न पर शनि की कुदृष्टि भी असमय गंजापन, बालों की सफेदी, रूखापन देती है। व्यक्ति जवानी में ही प्रौढ़ावस्था जैसा दिखाई देने लगता है। लग्न पर राहु की कुदृष्टि हो तो रूसी की समस्या, सिर में फोड़े फुंसी, चकते बनना आदि बीमारियों से बाल झड़ने लगते हैं। चंद्रमा व शुक्र की खराबी कफ की अधिकता को बढ़ाती है। ऐसे में अधिक जुखाम खांसी के चलते बाल गिरते भी हैं और सफेद भी जल्दी होने लगते हैं। मंगल की वक्रता से भी बाल मांग की तरफ से पूरी लंबाई में गिरने लगते हैं। रक्त की खराबी या एनीमिया इसके लिए जिम्मेदार बन सकता है। गंजापन होने के संभावित ज्योतिषीय कारण। चंद्रमा जब अधिक पीड़ित हो तो बाल पीछे की तरफ से गिरते हैं व गोलाई वाला पैच बन जाता है। राहु की खराबी में बाल सिर के किसी भी हिस्से से पैच या गोलाई में गुच्छों में झड़ते हैं व उतना हिस्सा गंजा हो जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार जन्म कुंडली का सूर्य भी गंजापन दे सकता है। खराब सूर्य की स्थिति में माथे से बाल झड़ना शुरू होते हैं और माथा चौड़ा हो जाता है। जब सूर्य लग्न में द्वितीय स्थान में, द्वादश में, कैसी भी स्थिति में हो, वह जातक को गंजापन देता है। सूर्य लग्न का होने पर यदि नीच का हो तो जातक छोटी उम्र में ही गंजा हो जाता है। सूर्य यदि द्वितीय या द्वादश भाव में या नीच का हो तो जातक को किसी बीमारी की वजह से गंजापन आता है। शनि की खराबी सिर के बीच के हिस्से के बाल गिराती है और गंजापन बीच से शुरू हो जाता है। मंगल व शुक्र के प्रभाव से मांग चौड़ी होने लगती है व उसी हिस्से में गंजापन आता है। गंजेपन से बचने के लिए लग्नेश को मजबूत करना, प्राणायाम करना, पाप ग्रह का उपाय करना और सूर्य चिकित्सा द्वारा बनाए गए तेल को लगाना बेहतर उपाय हो सकता है। अब आपको बताते हैं गंजेपन या बाल झड़ने की समस्या से बचने के कुछ उपाय। सूर्य उपासना करें। घोड़े या गधे की खुर की राख को खोपरे के तेल में मिलाकर सिर पर लगाने से गंजापन रोग समाप्त हो जाता है। घोड़े की लीद को पीसकर, छानकर खोपरे के तेल में मिलाकर लगाने से गंजापन रोग का नाश होकर बाल उगाते हैं। अगर आप भी तेजी से झड़ रहे बालों को देखकर परेशान हैं या फिर गंजापन आपकी फिक्र का कारण बना हुआ है तो ये उपाय आपकी मुश्किल आसान कर सकते हैं। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।